आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में गिवन है इन अ बार ग्राफ 0.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बार रिप्रेजेंट 100 पीपल। ओके, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बार व्हिच विल रिप्रेजेंट 1300 पीपल। देखो, एक बार ग्राफ में 0.2 सेंटीमीटर हाइट है बार की, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 100 पीपल को। तो पहले स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लो। ओके, 100 पीपल आर रिप्रेजेंटेड बाय किससे, 0.2 सेंटीमीटर। ओके, 0.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बार। ओके, इतना केस हमने लिख दिया। अब अगले केस में क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बार व्हिच विल रिप्रेजेंट 1300 पीपल। ओके, सो यूनिटरी मेथड लगा दो। देखो, यहाँ 100 पीपल का था, तो अब 1 पीपल आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम स्टेटमेंट, सो 0.2 सेंटीमीटर अपॉन 100 हो जाएगा। यही यूनिटरी मेथड होता है। ओके, अब यहाँ 1 है और मुझे चाहिए 1300 का। सो 1 को अगर मुझे 1300 पीपल बनाना है, सो 1300 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो 1300 पीपल आर रिप्रेजेंटेड बाय किससे। अब देखो, इधर मैंने 1300 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी तो करना पड़ेगा टू मेंटेन बैलेंस। ओके, तो यहाँ 1300 0.2 अपॉन 100, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है, सेंटीमीटर में। ओके, कुछ नहीं किया हमने, बस ये सिंपल जो हमने छोटी क्लासेस में यूनिटरी मेथड पढ़ा था, वी आर यूजिंग दैट ओनली। ओके, अब ये पॉइंट अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ अपॉन 10 आ जाएगा। ओके, सो देखो, दीज टू जीरो कैंसिल विद 100। अब क्या बचा, 13 मल्टीप्लाई 2 आया ऊपर, 13 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 26, और डिनोमिनेटर में 10। इसे और सिंप्लीफाई करो, सो 10 है तो मतलब एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो लास्ट से, 2.6 सेंटीमीटर। सो हमें क्या पता लगाना था, 1300 पीपल कितने बार से रिप्रेजेंट किए जाएंगे हाइट से, सो 2.6 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए उसकी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।